अभी कुछ टाइम पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से फाइटर मूवी रिलीज हुई थी जो कि एरियल एक्शन ड्रामा पर बेस्ड थी। फिर पता चलता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से एक और नई मूवी आने वाली है जो कि एरियल एक्शन ड्रामा पर बेस्ड रहने वाली है। जी हां गुड लोग, मैं बात कर रहा हूँ योद्धा मूवी के बारे में, क्योंकि इस मूवी का टीजर आउट हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं कि योद्धा मूवी कैसी हो सकती है। टीजर अप्रॉक्स 8 मिनट का है, बट कैजुअली इतना पता चल जाता है कि एक पैसेंजर प्लेन को टेररिस्ट अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। फिर क्या, आर्मी अपने एक स्पेशलिस्ट कमांडर को कमांड देती है कि उस प्लेन को फ्री कराना है, जिसको जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। योद्धा मूवी का काफी लंबे वक्त से इंतजार करा जा रहा था। साल 2020 में सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह मूवी रिलीज हुई थी, क्योंकि इस मूवी में इतना एक्शन था और इमोशन था जिसकी वजह से ऑडियंस की भारी डिमांड के चक्कर में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी मूवी की अनाउंसमेंट कर दी थी। तब से लेकर अभी तक ऑडियंस इस मूवी का इंतजार कर रही थी। टीजर बता रहा है कि इस मूवी की स्टोरी कुछ हद तक सिमिलर हो सकती है, वही पुराना घिसा पिटा इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई। डाउट है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि टीजर में कुछ और मूवी कुछ, लेकिन VFX के मामले में यह मूवी सभी मूवीज को टक्कर देने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से टीजर बता रहा है कि इस मूवी का VFX भाई बहुत शानदार रहने वाला है। पर ऐसा मुझे लगता है कि इस जैसा VFX बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक कभी तक यूज नहीं किया गया होगा। आज तक का सबसे बेस्ट VFX माना जाता है मेरी नजर में। ऑल ओवर टीजर एक नंबर है। बाकी गुड लोग, मैं इस मूवी के ट्रेलर का इंतजार करूंगा, तभी तो आपके लिए रिव्यू लेके आ पाऊंगा। इसी टाइप की रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। गुड बाय भाई लोग।